नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय सुधांशु कुलश्रेष्ठ में आज मैं सुधांशु आपको भारत के प्राकृतिक सजग प्रहरी हिमालय के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा, और फिर इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आपको कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप मौजूद था, जिसका नाम पेंजिया महाद्वीप था, और इसके चारों ओर पेंथालासा नाम का महासागर था। फिर पेंजिया महाद्वीप के दो टुकड़े हुए, जिनमें से एक का नाम लॉरेशिया या अंगारा लैंड और एक का नाम गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड दक्षिण की ओर था और लॉरेशिया या अंगारा लैंड उत्तर की ओर था, और इनके बीच में एक महासागर का निर्माण हुआ जिसका नाम तैतीस सागर था। फिर और इन पर इन दोनों महाद्वीपों पर जो नदियां थीं और धीरे थीं वो अपना वेस्ट गिराती थीं, किसमें? तैतीस महासागर में, यानी महासागर में, तैतीस महासागर में दोनों महाद्वीपों की नदियां गिरती थीं, और उससे वहां बहुत सारा कंकड़ पत्थर मिट्टी जमा होती गई। और फिर गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया आपस में जब टकराए तो उससे नवीन हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। उस जगह पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई, और जिस समय ये दोनों टकराए थे उस समय ट्रांस हिमालय, जिसे हम आज ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, वो हिमालय मौजूद था, जिसे हम तिब्बतीयन हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं। यह नवीन हिमालय से पूर्व का इसका निर्माण शुरू हो चुका था, और इसीलिए इसे प्राचीन हिमालय भी कहते हैं। तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण आज से लगभग 11 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, और आज भी हिमालय पर्वत लगभग हर वर्ष कुछ ना कुछ मिलीमीटर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और इसका जो वर्गीकरण किया गया वो किया गया बाएं से दाएं, हॉरिजॉन्टल रूप से किया गया। इसका वर्गीकरण चार भागों में किया गया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच मेन सचर जोन नाम की रेखा है, और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच मेन सेंट्रल फ्रस्ट नाम की रेखा है, और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट नाम की रेखा है, जिससे इन्हें अलग किया गया है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस वर्गीकरण को नकार दिया। इस वर्गीकरण को जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोवर नाम के वैज्ञानिक ने, जो भूसंरक्षी सिद्धांत कहा गया था हिमालय के निर्माण को, हिमालय के निर्माण को उन्होंने भूसंरक्षी सिद्धांत कहा था। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका जो वर्गीकरण किया गया हॉरिजॉन्टल उसे नकार दिया, और कहा कि ऐसे नहीं, वर्टिकल विभाजन होना चाहिए हिमालय का। तो उन्होंने अपने हिसाब से वर्टिकल विभाजन किया जो इस प्रकार है। नवीन हिमालय के निर्माण से पूर्व जो ट्रांस हिमालय था उससे जो नदियां गिरती थी वो इस प्रकार थी, पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तिस्ता नदी और विहंग, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का भाग थी, मतलब उसकी सहायक नदी थी। ये पांच नदियां उस समय भी गिरती थी जब ट्रांस हिमालय था, नवीन हिमालय नहीं था। तो इन्हीं के आधार पर ये वर्टिकल विभाजन किया गया, क्योंकि इन नदियों ने जो नवीन हिमालय का निर्माण हुआ उसमें अपना रास्ता बनाए रखा और आगे बढ़ती रही। तो इसके आधार पर जो विभाजन किया गया वो इस प्रकार है, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में कुमायूं हिमालय, और तिस्ता और व्यांग के बीच में असम हिमालय। ये वर्गीकरण किया गया जिसे आज के तारीख में सही माना जाता है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, जो कि जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। इसको भी चार भागों में बांटा गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसकी दो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसकी दो प्रमुख चोटियां हैं, K2 और K4, जो कि गॉडविनाश्टिन और जैसर बुरुम के नाम से जानी जाती हैं। बृहद हिमालय की कई चोटियां ऊंची ऊंची हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है। इससे पहले ये बता दूं कि ट्रांस हिमालय में चार प्रमुख ग्लेशियर हैं, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, वोल्टोरो और वियापो ग्लेशियर। ये चार प्रमुख ग्लेशियर हैं जो ट्रांस हिमालय में हैं। अब बृहद हिमालय की बात करते हैं। बृहद हिमालय में पश्चिम से पूर्व
की ओर बढ़ते हुए पर्वत चोटियों की जो संख्या है वो कई बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें जो प्रमुख चोटियां हैं वो इस प्रकार हैं। नंगा पर्वत जो कि पीओके में है यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वो है नंगा पर्वत। फिर उत्तराखंड में है बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। फिर नेपाल में धौलागिरी, मनसालू और अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ये नेपाल में है। फिर कंचनजंगा ये सिक्किम के बॉर्डर पर है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। और नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये ब्रज हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। अब बात आती है मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय में प्रमुख पर्यटन स्थल हैं बहुत ज्यादा, जैसे शिमला और कुल्लू, मनाली, श्रीनगर, कश्मीर, ये सब मध्य हिमालय के भाग, और मंसूरी, नैनीताल, ये सब मध्य हिमालय के पर्यटन क्षेत्र हैं जो पर्यटन के लिए प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। यहाँ घास के मैदान भी हैं, जो जब जमीन धस जाती है वहाँ घास हो जाती है, उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है, मर्ग जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग, लेकिन उत्तराखंड में इनको पयार बोला जाता है। ये मध्य हिमालय के भाग हैं सारे और पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रमुख हैं। यहीं पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है भारत में, तो इसलिए ये टूरिस्ट प्लेस प्रमुख रूप से बनाए गए हैं। अब बात आती है शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय का जो विस्तार हुआ है बहुत उबड़ खाबड़ हुआ है, बहुत मतलब टूटा फूटा हुआ है, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं जमीन धस गई है अंदर, कहीं फिर ऊपर पर्वत बन गया है, इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार तक पहुंचा है, और पूर्व में जो उसको जो मुड़ा है वो यही शिवालिक पर्वत श्रृंखला मुड़ी है, वो बर्मा को बॉर्डर, बर्मा के बॉर्डर पर मुड़ी है। अराकाम पहाड़ियाँ जो हैं वो बर्मा के बॉर्डर पर हैं, और वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का भाग है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, प्रमुख चोटियां हैं, वो डापला, मीरी, अबीर और मिसमी, ये उसमें है अरुणाचल प्रदेश में। और नीचे की ओर जो अरुणाचल प्रदेश में चोटी है वो है पटगाई गुम, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा मिजोरम में मिजो, नागालैंड में नागा और असम में मिकिर नाम की पहाड़ियां भी शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आती हैं। और मेघालय में गासो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियां शिवालिक पहाड़ियां हैं जो मेघालय में मौजूद हैं। और इसका निर्माण तो बहुत बाद में हुआ, नवीन हिमालय माना जाता है इसे। और इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार तक हुआ है। ये शिवालिक हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में तो है ही, इसके अलावा पाकिस्तान में है, नेपाल में है, भूटान में है और चीन में है। इसका विस्तार इन पांचों देशों में हुआ है। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो चीन में भी है, और कुछ भाग इसका चीन में भी है, जैसे कैलाश पर्वत और पामीर का विस्तार है वो चीन में हुआ है, और नीचे कैलाश का जो विस्तार हुआ है वो चीन में हुआ है। कैलाश पर्वत और पामीर का पठार ये चीन में है। दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाकिस्तान में भी है, वहां इसे सुलेमान पर्वत कहते हैं, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानते कि ये सुलेमान पर्वत शिवालिक पर्वत श्रृंखला का भाग है। लेकिन जब रिसर्च हुई तो ये बात साबित हो गई कि सुलेमान पर्वत शिवालिक पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का कुल विस्तार 2500 किलोमीटर लंबा है, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर के क्षेत्र तक लंबाई में फैली हुई है, और इसकी औसत चौड़ाई 600 किलोमीटर है, कहीं 900 किलोमीटर, कहीं 200 किलोमीटर है, लेकिन औसत चौड़ाई जो है वो इसकी 600 किलोमीटर है। और ब्रज हिमालय में सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ट्रांस हिमालय का एक भाग काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार तिब्बत की साइड हुआ है, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर पामीर का पठार और नीचे की ओर कैलाश पर्वत, ये दोनों तिब्बत में है। पामीर के पठार का निर्माण काराकोरम, हिंदू कुश जो कि अफगानिस्तान में है, कुनलुन और पियनशान जो तिब्बत में है,
इन पर्वत श्रेणियों से मिलकर हुआ है पामीर के पठार का निर्माण, इसे दुनिया की छत माना जाता है। जो ट्रांस हिमालय का दूसरा भाग है लद्दाख, इसकी प्रमुख चोटी है राका पोसी, जो बिल्कुल खड़ी ढाल है, यानी अगर ऊपर चोटी पे कोई खड़ा है और गिरे तो सीधा नीचे आएगा, इतनी कड़ी ढाल है वहां की राका पोसी पर्वत चोटी की। कैलाश पर्वत जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार है और तिब्बत में है, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है, और यह माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है, भगवान शिव कैलाश पर ही निवास करते हैं। और वहीं स्थित कैलाश मानसरोवर झील है जो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र है और मान सम्मान वाली है, और वहीं झील है दूसरी राक्षसताल झील। तो ये वर्तमान में अब चीन के कब्जे में है, क्योंकि तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था 1962 के युद्ध में, तब से चीन के कब्जे में है तिब्बत, और अब चीन की अनुमति के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाना पड़ता है भारत से, और कैलाश पर्वत पर तो कोई नहीं चढ़ता, उस पर पाबंदी लगा दी है चीन ने भी और भारत सरकार ने भी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, रहस्यमयी पर्वत माना जाता है कैलाश पर्वत, उस पर कोई नहीं चढ़ पाता। दोस्तों हिमालय क्षेत्र में ही हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ये सारे तीर्थ स्थल हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, और इसके अलावा गंगा और जमुना जो प्रमुख नदियां हैं वो भी हिमालय क्षेत्र से ही निकलती हैं, और जो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें पवित्र माना जाता है गंगा और जमुना को। इसमें से गंगा के लिए कहा जाता है कि यदि गंगा नदी में स्नान कर लिया जाए तो हमारे पाप धुल जाते हैं, यानी पाप नाशनी कहा गया है गंगा को, और गंगा जल को यदि पी लिया जाए या इसका छिड़काव अपने घर में किया जाए तो घर का वातावरण शुद्ध रहता है और हम लोग भी निरोगी रहते हैं गंगा जल पीने से। इसके अलावा सिख धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब जो चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में, जिसे बहुत ही ज्यादा पवित्र और मान सम्मान वाला माना जाता है सिख धर्म के लिए हेमकुंड साहिब। दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले से 50 किलोमीटर दूर नीति गांव में स्थित है द्रोणागिरी पर्वत, जिसका वर्णन रामायण में हुआ है, जहां बताया गया था कि इस पर्वत पर संजीवनी बूटी स्थापित है जिसे हनुमान जी उखाड़ कर ले गए थे लंका लक्ष्मण जी के इलाज के लिए, और फिर वापस यही हमारे क्षेत्र में रख गए थे। लद्दाख की राजधानी लेह इससे 30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जो मैग्नेटिक है, यानी मैग्नेटिक हिल कहा जाता है इसे, और ये किसी भी चीज को अपनी ओर ऊपर की ओर आकर्षित करती है, खींचती है। अगर कोई वाहन यानी चाहे फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर हो खड़ा है बंद मतलब स्टार्ट नहीं है तो भी ऊपर की ओर जाएगा 20 किलोमीटर की रफ्तार से, इतनी मैग्नेटिक पावर है इस हिल में। येति या हिम मानव जिसे येति कहा जाता है, इसको देखा गया है हिमालय क्षेत्र में कई बार, एक बार नहीं कई बार, और ये आज से नहीं पिछले 900 साल से देखा जा रहा है हिमालय क्षेत्र में हिम मानव। इसका वर्णन भारतीय सेना ने भी अपने बयान में किया है और कहा है कि हिम मानव हिमालय क्षेत्र में मौजूद है। इसके पैरों के निशान बर्फ पर 32x15 इंच के मिले हैं, यानी 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े ये पैरों के निशान मिले हैं येति या हिम मानव के, जो वानर की आकृति का है और उसके शरीर पर बाल हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में जड़ी बूटियों का खजाना छिपा हुआ है, इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां हैं यहाँ कि अगर सब चीजें सब जड़ी बूटियां मिल जाएं तो हम सबका बहुत कल्याण हो जाए, अमर हो जाए, इस तरह की भी जड़ी बूटी पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। संजीवनी बूटी तो केवल मृत आदमी को जीवित करती थी, लेकिन ऐसी भी जड़ी बूटियां हिमालय क्षेत्र में हैं जिन्हें खाकर आप अमर हो सकते हैं, लेकिन उन तक अभी हमारी पहुंच नहीं है, मानव की पहुंच नहीं हो पाई है उस क्षेत्र पर। इसके अलावा ज्ञानगंज मठ या सिद्ध आश्रम माना जाता है हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है, यहाँ देवात्मा या सिद्ध पुरुष रहते हैं जो अमर हो गए हैं, यानी वो अमर हो चुके हैं और वहां रहते हैं, लेकिन वहां तक किसी आम नागरिक यानी आम इंसान की पहुंच नहीं है, और ये क्षेत्र माना जाता है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, और ये माना जाता है कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला या शंगरीला नाम का नगर है, वहीं ये ज्ञानगंज मठ अवस्थित है, सिद्धाश्रम अवस्थित है, जहाँ सिद्ध पुरुष और देवात्माएं रहती हैं, और वो पृथ्वी पर पूरी तरह से अपना संतुलन मतलब बनाए रखती हैं, वहां से नजर रखती हैं पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, यानी वहां के लोगों में इतनी मतलब दिव्य दृष्टि है वो वहीं से देख लेते हैं बैठे बैठे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है जब वहां पहुंचा जा सकता है, और
स्वर्ग का रास्ता भी माना जाता है कि यहीं से होकर गया है, और इस क्षेत्र में केवल युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े थे और वहां के राजा थे हस्तिनापुर के, वही जा पाए थे इस क्षेत्र में, बाकी और कोई नहीं जा पाया था। इसके अलावा जड़ी बूटियों के मामले में हिमालय क्षेत्र बहुत ज्यादा, मतलब कहना चाहिए विशाल है, बहुत ज्यादा खजाना है हिमालय क्षेत्र में जड़ी बूटियों का। नारीलता नाम का पौधा पाया जाता है हमारे क्षेत्र में, जिसका फूल 20 वर्ष में एक बार खिलता है, और इसकी शेप बिल्कुल नारी जैसी होती है, यानी लेडी जैसी होती है इस फूल की। इसके अलावा एक फूल ऐसा मिलता है जिसका शक्ल, जिसकी शक्ल वानर जैसी होती है, और ये माना जाता है वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों में कि ये हनुमान जी है। इसके अलावा कई जड़ी बूटियाँ ऐसी मिलती हैं जिनका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है, और वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। दोस्तों एक और रहस्यमयी बात है हिमालय क्षेत्र के लिए कि यहाँ की जलवायु या वातावरण यहाँ का बहुत ज्यादा शुद्ध है। यहाँ के रहने वाले लोग बिल्कुल निरोग रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं और लंबी आयु जीते हैं बिना किसी इलाज के, और वो अपने जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं अगर बीमार हो जाते हैं, लेकिन एलोपैथी या होम्योपैथी या और कोई इलाज वो नहीं करते, केवल अपनी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। और यहाँ के रहने वाले लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जानते हैं, ये बात एक अच्छी है, यहाँ के लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जानते हैं, जो जड़ी बूटियाँ उनको मिल जाती हैं उसका वो प्रयोग करना जानते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अभी कुछ समय पहले जब कोरोना पूरे विश्व में उसने हड़कंप मचा दिया था, लेकिन हिमालय क्षेत्र में उसने कुछ भी परेशानी नहीं पैदा की वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, वो आराम से बीमारी से बचे रहे वहाँ की जलवायु वातावरण और शुद्ध हवा के कारण। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, हिमालय जब बनना शुरू हुआ उससे पहले जहाँ कौन सा सागर था, उस सागर का नाम बताना है आप लोगों को। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।